भैया तो अमिताभ बच्चन को सुनाते, ज्यादा लाउड लेके जाएंगे ना उसको। अरे भाई साहब देखे जो है भाई अमिताभ भाई साहब आए हो जाओ एडजस्ट हो जाओ स्वाहा। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मेरी चैनल। आज जो भी चैनल पर नए हैं सबसे पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब और हाथ से बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरा न्यू वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज इस पटना को हम बाय बाय कर रहे हैं और चाह रहे हैं दिल्ली फाइनली शिफ्ट होने के लिए। और इतना दिन से हमारा टिकट कन्फर्म नहीं हो रहा था और शायद फाइनली वो टिकट कैंसिल ही हो गया, तो तत्काल में कराना पड़ा हमारा टिकट। और आज जो कि वो टिकट कन्फर्म हो चुका है तो हम लोग निकल रहे हैं। हम लोग नहीं, बस हम ही निकल रहे हैं, हमारे भाई लोग इधर छोड़ने जा रहे हैं, हमारे शुभम भैया और हमारे कुटुंब सब, गुलशन जी और हमारे प्रिंस भैया। अरे प्रिंस भैया, अरे यार लास्ट टाइम हाय क्या कर रहे हैं, बारे ये मतलब बताना चाह रहा है कि आपसे नहीं मिलना है, जाओ भैया एकदम माथा का दर्द खत्म हो रहा है। नहीं नहीं क्यों नहीं मिलना, दीपावली में पूरा वहां जाके इसको प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, गुलशन जी आप भी कुछ लास्ट टाइम बोल दीजिए, प्यार भर भर के दीजिए कुटुंब को वीडियो पे, आगे बोलिए। तो चलिए सारा पैकिंग हो चुका है, देख लीजिए बैग यहाँ पे रखा हुआ है, पैकिंग हो चुका है, तो चलिए मिलते हैं सीधा आपको स्टेशन पे, ठीक है, बने रहिए ब्लॉग के साथ। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके अपने सीट पे और सबसे ऊपर में बैठे हुए हैं क्योंकि नीचे में आदमी है, तो इस वजह से हम अपने निजी जो हमारा पर्सनल सीट है उस पर नहीं गए। कुछ देर बाद अगर जो जिसका सीट है ऊपर में अगर वो आता है तो फिर अपना सीट पे चले जाएंगे। तो चलिए जो जो चीज़ इस ट्रेन में फैसिलिटीज़ वगैरह हैं सारा चीज़ छोटे से पहले कंडक्ट कैप्चर करने का प्रयास करें। तो इसको चीर फाड़ करके अपना सजिया लगा लेते हैं भैया। मैंने गाइस अभी सजिया भी अपना सजा लिया है और ये ऊपर में तरह बहुत कंजेस्टेड है लेकिन कैसे भी एडजस्टमेंट करके रहना पड़ेगा। हाँ लेकिन ये दूसरे का सीट, जब वो आएगा तो हमें अपना सीट पे जाना पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आराम से सोए हुए। और हमको ये मिला हुआ है, देख लीजिए ये कफन जैसा, क्या बोला तूने, कफन जैसा 66 सर, आदर्श पास हो गया हूँ, मजा आए जीने में। फाइनली गाइस ऊपर में जिसका सीट था वो आ चुका है और अभी हम मिडिल में आ चुके हैं। अगर आप भी जब भी आप कहीं पर ट्रैवल करें या फिर लॉन्ग ट्रैवल करें तो फिर अगर आप टिकट बुक कर रहे हैं तो फिर या फिर ऊपर में ले या फिर नीचे में ले, मिडिल में तो बिल्कुल ना ले। अगर आप खाने पीने की चीज़ मंगा रहे हो तो खाने पीने में बहुत समस्या होगा। तो इसी बीच में हमारा खाना भी आ चुका है और खाने में हमको मिल रहा है रोटी है, चावल है, फिर दाल है और एक चुना हुआ दो तीन पनीर का सब्जी और एक सब्जी और है और इधर से मिठाई एक चिपकाया हुआ सा। तो चलिए फिर देखते हैं, अगर फिर जगह मिलता है अच्छा सा खाने के लिए तो फिर खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। गाइस जगह मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं ये, और ये हमारा जगह है। सबसे पहले मैं ऊपर में सोया हुआ था और भैया आके एकदम आराम से नींद खींच रहे हैं लेकिन हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। इसमें आप आराम से सो सकते हैं लेकिन आराम से बैठ नहीं सकते, ठीक है, खा नहीं सकते या कुछ भी, बैठ के तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इधर हमारे भैया मिले जो कि अपने सीट को थोड़ा सा दिए हुए हैं कि भैया तरह 10 मिनट लेके आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू भैया। ये खाना खाने के बाद तो मैं इसको 5 रेटिंग में से शायद एक भी रेटिंग ना दूं। इतना बेकार खाना है ना इस ट्रेन का, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्रेन का खाना खाओ ही मत और जब भी आप आए तो बाहर से खाना पैक करा के आए, बेकार है पूरा, ये भी बेकार है। ये तो लगता है कि पूरा पानी में जो है ना, पानी में इसको बनाया गया इस पनीर को, पनीर है किसी एंगल से पनीर लगता है, वो लगता है ये मिठाई अच्छा होना चाहिए, अब क्या बता, पूरा ख़राब है तो वो भी ख़राब होना ही चाहिए। हाँ, हाँ, समझ रहा हूँ। तो चलिए ये खाना तो मैं अब खाऊंगा नहीं क्योंकि मेरा मन पूरा भर चुका है, इसको फेंक देता हूँ, ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, देखता हूँ क्या करता हूँ। हो जाओ एडजस्ट हो जाओ स्वाहा। और किसका भैया सुनना चाहेंगे? हाँ लेकिन अभी ज्यादा लाउड वॉइस लग नहीं सुनाएंगे। हाँ फिर इसका सन्नी देवल का आप सुन सकते हैं। ओए बाबूजी, मैं काजल का हाथ मांगने आया हूँ, बाबूजी मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, और काजल समझा दे क्यों ना, बाबूजी को बता दे क्यों ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ,
अगर इस चौकर से बाहर आ जाएगी और हड्डी सबसे पहले उसकी इसके सिर पर सहरा होगा। बाबू जी आप देख सकते हैं बहुत सारे आदमी सोए हुए हैं, हमें तो बहुत डर लग रहा है बाबूजी, हमें लगता है कि मैं शमशान घाट में आ चुका हूँ, लेकिन बाबूजी डरना नहीं है। अगर ट्रेन का पूरा हाल दिखाए तो सब कोई ऐसे ही सोया हुआ है तान के, लगे कि हम लोग हॉस्पिटल में घुस गए हैं। ठीक है तो और भैया तो अमिताभ बच्चन को सुनाते, ज़्यादा लाउड लेके जाएंगे ना उसको। अरे भाई साहब देखे जो है भाई अमिताभ भाई साहब इससे ट्रेन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, बहुत आदमी सोया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हाँ देखेंगे तो प्रयास करेंगे थोड़ा सा कम का। अरे भाई साहब देखिए जो है मैं अमिताभ बच्चन भाई साहब, अरे भाई साहब मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इससे कौन बनेगा करोड़पति भाई। तो भाई साहब देखिए अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर आकिब जी हैं, अगर आकिब जी अगर आप सही जवाब देते हैं भाई साहब आए तो आप जीतते हैं 10,000 रुपये। तो देखिए भैया देवी सोच लो हमारे आके भैया मिले हैं इस ट्रेन में, बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात है भाई साहब कि हमारे इस शो में आगे भैया आए। आगे भैया कुछ बोलना चाहेंगे आए मजा दे दिए भाई। अरे भाई साहब इसे ये बोल रहे मजा दे दिए भाई साहब, नंबर तन तेल लगाइए माथे को ठंडक हो जाइए। तो यही सब है भैया, अभी ज़्यादा मिमिक्री करेंगे तो बहुत आदमी सो रहा है तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, उठ के 2-3 गाली दे दे भगा दे हम सब। तो चलिए फिर ऐसे ही ब्लॉग में आप लोग बने रहे, कुछ भैया से बात करते हैं हाँ बिहाइंड द कैमरा, ठीक है लेकिन कैमरा के सामने नहीं। ये सारा नाइट व्यू मिर्जापुर का है और हम मिर्जापुर स्टेशन का बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं अपना नींद को तोड़ के आई। नहीं मेरा बैग नहीं है, ये भी लगा दीजिए भैया हाँ, और थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब सही है, बाहर में बहुत धूप, ज्यादा हो चुका है, सो जाओ, गुड नाइट। अभी हम न्यू दिल्ली स्टेशन पर पहुंच चुके हैं और इस स्टेशन में ज़्यादा बकचोदी करेंगे नहीं, और हमारा रेपिडो बुक हो चुका था और भैया आ गए है ना। गाइस अभी फ्लैट पे आ चुके हैं और हमारे भैया इधर अनुराग भैया हाय कीजिए भैया, और अभी हमारे भैया पिकअप करने गए हुए थे मेट्रो स्टेशन और आने में थोड़ा सा थोड़ा दिक्कत हुआ लेकिन ज़्यादा दिक्कत हुआ नहीं है। ठीक है तो चलिए आई होप कि आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।